नशियों हम नशी झूले मेरे दिल की जमीन। इस दिले मगरूर का अब हम सफर कोई नहीं। चाची दरअसल बिल्कुल ठीक होगा, बिल्कुल ठीक, ये मेरा दिल कह रहा है। पता नहीं सनोबर, हमारा दिल तो कुछ नहीं कह रहा, उसने कहना सुनना सब छोड़ दिया। ऐसे मत कहो, ऐसे मत कहो चाची, वो बिल्कुल ठीक है। मेरा दिल कभी गलत नहीं कहता, हमेशा ठीक कहते हैं। अच्छा तुम्हारा दिल कहता है तो फिर ठीक ही होगा। ए लड़की, तुमको यह तसल्ली देने के लिए बिठा है, तुम्हारे बैंड डालने के लिए नहीं। और अगर रोने का इतना ही शौक है ना, तो जाओ तपाओ, अपने घर जाके मातम मनाओ। शंजे, तुम उस बेचारे बच्चे को क्यों डांटता है? हेलो, कहाँ तक पहुँचे हो कि पीछे कोई जिंदा ही है, सबको दफना कर गए हो? हाँ भैया, हम अस्पताल पहुँच गए, यहाँ बहुत रश है, तुम फोन रखो। तरकजाई कैसा है? मोरे बहुत परेशान हो रही है, उनकी तो तबीयत भी ठीक नहीं है। तो तुम वहाँ क्या कर रहे हो? तसल्ली दो रहो, अल्लाह खैर करेगा। अल्लाह तो खैर करेगा, कान तुम भी कुछ खैर का बोल दिया करो। दरकजाई कैसा है? डॉक्टर क्या कहता है? कुछ तो बताओ कान। अभी हम बाहर हैं, मुड़ को बोलो बस ठीक हो जाएगा वो, तसल्ली दो। हेलो, क्या बताया उसने? ठीक है ठीक है, शुक्र है अल्लाह का, देखते हैं, अभी फोन करता है कान, बताएगा, परेशान मत हो। एक तो इन औरतों को रोने धोने के अलावा और कोई काम नहीं है, कभी अल्लाह को याद नहीं किया, उस पर तवक्कल नहीं किया, बस बेच शुरू। दाजी वो परेशान है इसलिए परेशान, पर इस बकबक के लिए परेशान, जिसकी खोपड़ी में दुम्बे का अकल है, ना कभी खुद सकून लिया ना हम को लेने दिए। बस दाजी प्रे दे ठीक बशी। क्या बड़ा ठीक बशी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये यहाँ क्या कर रहा? तुम तो कह रहे थे कि ये हॉस्टल में, ये अस्पताल में क्या कर रहा? वो मैं अस्पताल किसी काम से आई थी, तो कर गया, अच्छा हो गया। दरजई को देखा तुमने? कैसा है वो? हाँ देखा अभी, वो उसके सर पर चोट लगी है और थोड़े से कट्स भी आए हैं, खून बहुत बह गया है। फरमान औलाद का यही अंजाम होता है। दाजी अब बैठे ना प्लीज, थोड़ी देर। नहीं बैठना बैठना नहीं है, तुम बताओ उसको कब फारिग करेंगे? सर पर चोट गहरी है और थोड़े बहुत कट्स भी है, लेकिन अभी सारी चीजें हो रही है उधर, वहीं पे है वो, परेशानी की बात नहीं है, जल्द ही फारिग कर देंगे। ठीक राजे। क्या तुम्बे का अकाल है इसका? खाना थैंक यू। मुझे भी कॉफी बना दें। जी जी। हाँ भैया, हादी घर आ गया? जी आ गया, अपने कमरे में है। आज काम भी उसने बहुत किया, देख रहा था मैं, माशाल्लाह बहुत पोटेंशियल है तुम्हारे बेटे में। अरे वाह, आज तो मुझे मेरी औलाद की परवरिश और उसके पोटेंशियल का क्रेडिट मिल रहा है, वरना तो हमेशा हसन की नेगेटिविटीज का जिम्मेदार ठहराया जाता है। हाँ हसन तो है ही बुरा, आज तक ऐसा काम नहीं किया ना उसने, इससे आपको फकर हो।
ऐसी बातें क्यों करते हो? आओ आके बैठो ना हमारे साथ। नहीं मामा, मैं भी इंसान हूँ, थक जाता हूँ, कमरे में जाके आराम करने का हक मुझे भी है। या फिर ये भी सहूलत आपके बड़े बेटे को ही मैसर है। Come on. क्या करूं मैं इस लड़के का? अच्छा इसे छोड़े, ये बताएं यूके की कॉन्फ्रेंस का क्या बना? हो गई आपकी तैयारी सारी? शायद कल टिकट आ जाए। Okay, आइमा बेटा। जी अंकल। बेटा आपके पास खजिस्ता का कांटेक्ट है? नहीं, क्यों? उसे मैंने एक प्रेजेंटेशन बनाने को दी थी, पता करना था उसने बनाई या नहीं बनाई। कैसी प्रेजेंटेशन? यार वो जिस कॉन्फ्रेंस में जा रहा हूँ ना, तो बच्ची काबिल है, वैलिड पॉइंट्स लिखेगी। आप ऐसा करो बेटा, हसन से ले लो, वो क्लास फेलो है ना, या वो किसी से लेके दे दे कि अगर प्रेजेंटेशन बना दी है तो मुझे मेल कर दें, क्योंकि मुझे खुद भी वर्किंग करनी पड़ेगी उसमें। जी अंकल, ठीक है। अच्छा ये हल्दी वाला दूध है, पी लो बच्चा, तुम्हारे दर्द में अफाका होगा। मोरे मुझको दर्द नहीं हो रहा, मैं ठीक हूँ, मुझको नहीं पीना ये। क्यों नहीं पीना, फायदा है इसका, देखो तो कैसे तुम्हारा रंग पीला पड़ रहा है। सही है, मुझे कुछ नहीं हुआ और इसको देख के उल्टी आ रही है। हटाओ मोरे, मुझको नहीं पीना, दिल नहीं चाह रहा। ज्यादा नखरा करने का जरूरत नहीं है, तुम कोई कारनामा करके नहीं आ रहा कि तुम्हारा लाडियां उठाएं। हाँ जी, क्यों डांटते हमारे बच्चे को, उसका तबियत पहले ही खराब है। हाँ तो तबियत मैंने खराब की है? इस खाना खराब से पूछो इसको, किसने बोला था कि शहर जाए, किसने कहा था? दाजी छोड़े, नमाज पढ़े और आराम करे, वैसे भी सारी रात सफर में गुजर गई, इसे भी आराम करने दे ताकि दवा असर करे इसमें। क्या आराम करे मड़ा, जिसका ऐसा औलाद हो वो आराम कैसे कर सकता है? जानवर की तरह जहाँ मुंह उठाया चल दिया, जैसे कोई पहाड़ी दुम्बा होता है, दुम्बे में भी तुम से ज्यादा अकल होगा। दाजी राजे मोरे, दवाई दे देना इसको ताकि सो जाए, ठीक है? मोरे तुम मेरी फिक्र नहीं करो, जाओ यहाँ से। मन का बात का गुस्सा नहीं करो, तुम्हारा दाजी तुमसे प्यार करता है। खाक प्यार करता है, मुझको लगता है मैं इसकी सौतेली औलाद हूँ। ना बच्चे तुम आराम करो। हेलो हेलो दरगजाए, घर पहुंच गए तुम? नहीं अभी नहीं पहुंचा, अभी सड़कों पे धक्के खा रहा हूं। तुम हर चीज का जवाब ऐसे गुस्से में क्यों देते हो? कभी सही से भी जवाब दे दिया करो। फिक्र हो रही थी मुझे तुम्हारी, परेशान थी मैं। तुम मेरे साथ झूठ मत बोलो खजिस्ता, तुम्हें मेरी कोई परेशानी नहीं है। अगर परेशान होती, फिक्र होती तो तुम यहाँ पे मेरे साथ आती, मेरी तीमारदारी कर दी, खदमत कर दी। तुम्हें अगर फिक्र है तो सिर्फ शहर के मरीजों की, उन्हीं के लिए तो तुम डॉक्टर बन रही हो। डॉक्टर बनी नहीं हूँ मैं अभी। और किस तरीके से आ जाती मैं तुम्हारे साथ? मेरे टेस्ट है, मेरे टीचर भी नहीं आने देते मुझे। बाढ़ में गए तुम्हारे टेस्ट और बाढ़ में गए तुम्हारे टीचर। अच्छा ठीक है, मुझे अभी ये बताओ कि तबीयत कैसी है, दर्द तो नहीं है? अगर दर्द हो भी रहा होगा तो तुमको कभी नहीं बताऊंगा।
और ये जो पट्टी मट्टी बांध के भेजा ना, अभी इनको उतार कर दीवार पे दे मारूंगा मैं। मुझे तुम्हारे टीचर का मारा पट्टी नहीं चाहिए। दरक जाए, खुदा का वास्ता ऐसा मत करना, बाजू खराब हो जाएगा, मसला बढ़ जाएगा। मसला बढ़ता है तो बढ़ जाए, मुझे कोई परवाह नहीं है। जब तुम्हें मेरी परवाह नहीं तो मुझे भी तुम्हारी परवाह नहीं है। मॉर्निंग, क्या हुआ, कोई काम था? क्यों, बिना काम मैं तुम्हारे कमरे में नहीं आ सकती। हादी, तुम्हें याद है ना कि हम में कितनी क्लोजनेस होती थी, छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी खुशियां शेयर करते थे हम एक दूसरे से। लेकिन अब मैं सोचती हूँ कि इतनी बड़ी बात हम लोगों ने एक दूसरे से शेयर नहीं की, ये कौन सी क्लोजनेस थी? और तुम सुबह सुबह ये सब कहने आई हो मुझे? खजिस्ता का नंबर मांगने आई, उसका नंबर चाहिए। फिकर नहीं करो, तुम्हारे खिलाफ भड़काऊंगी नहीं उसे, बल्कि वक्त आने पे डिफेंड करूंगी मैं तुम। क्या अजीब सी बात की है तुम, और इस वक्त खजिस्ता कहां से याद आ गई तुम? मुझे नहीं, अंकल को उसका नंबर चाहिए था। रात को तुम सो रहे थे और हसन के सामने उसका नाम भी लो तो वो चिढ़ जाता है। लेकिन डैड को उसका नंबर क्यों चाहिए? ये लो। थैंक्स। उसकी जहानत ने इस घर के मर्दों पे धाक बिठा दी है। अंकल ने उससे अपनी प्रेजेंटेशन बनवाई, उसी के बारे में पूछना था। हाँ, वो एक्चुअली आई थी कल अपनी फाइल देने के लिए। तुम्हें? नहीं, डैड को देने आई थी। वो ऑपरेशन थिएटर में थे, वो एक्सीडेंट हो गया था, इतनी भगदड़ मच गई थी कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। एनीवे, मैं जा रहा हूँ अभी हॉस्पिटल, तुमने चलना है साथ? नहीं, तुम जाओ, मैं आती हूँ बाद में। Are you sure? Yes. Okay. आदि, मैं तुमसे कह रहा हूं, मैं इस वक्त बहुत गुस्से में हूं, तुम चले जाओ यहां से। डैड, आप इतना गुस्सा करने के कायल तो नहीं है। मैंने कहा ना आपसे कि मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ, जाके देखता हूँ। क्या मतलब है कि मैं गुस्सा भी ना करूं? 10 मुल्कों से सर्जन आ रहे हैं, कैंसर पे इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस है जो मैंने अरेंज की, और मेरे पास कहने के लिए कुछ भी नहीं है, और तुम कह रहे हो कि मैं गुस्सा भी ना करूं? इससे तो बेहतर था कि मैं खुद बना लेता। अच्छा, टेंशन ना ले, उसे कोई हल तो नहीं निकलेगा ना? देखो, पूरी बात तो सुन ले मेरी। वो आपकी इतनी काबिल स्टूडेंट है, इतनी मेहनत कर रही है,
इतनी मेहनत करके बना के लाई है, लेकिन उसका कसूर नहीं है, ये आप भी जानते। आपने दो मिनट में डांट के रख दिया उसे। तो उस्ताद हूं मैं, हक है मुझे उसे डांटने का लापरवाही पे। इस डांट डपट से तुम लोग सीखते हो। जरा सी लापरवाही से कितनी मुश्किलात पैदा होती है इसका अंदाजा है तुम्हें? और फिर तुम लोग डॉक्टर्स हो, उस पे इतने गैर जिम्मेदार। अच्छा डैड प्लीज रिलैक्स, स्टॉप इट। ज्यादा तरफदारी करने की जरूरत नहीं है। उसके साथ साथ मैं तुम्हें भी डांट रहा हूं। अब प्लीज जाओ यहां से और मुझे सोचने दो कि क्या करना है मुझे। प्लीज गो। मैं जाके देखता हूं। प्रेजेंटेशन डैड ने उस दिन पेंडू के हाथ में थमा दी थी। तुम पूछ रही थी ना किस बात का चक्रा है, यही था। सीरियसली, इसका मतलब है कि वो फाइल अंकल के लिए इतनी इम्पोर्टेंट है कि उसी के बेस पे वो यूके कॉन्फ्रेंस पे जाएंगे। जानता हूँ, बस दुआ करो कि वो फाइल इतनी बुरी बने ना कि डैड की आंखें खुल जाएं। हाँ सर, वो फाइल अच्छी हो या बुरी, वो फाइल बन चुकी है। और इसमें एक ट्विस्ट है, वो फाइल हॉस्पिटल में कहीं मिसप्लेस हो गई है और अंकल को वो आज ही चाहिए। तुम्हें कैसे पता चला? मैंने हादी को बात करते हुए सुना और उसी वक्त मैंने सोच लिया कि हम लोग वो फाइल ढूंढ के उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे। तो वी नीड टू फाइंड इट, राइट? लेट्स गो। लेट्स गो। मैंने तुम्हें अपने तमाम स्टूडेंट्स पे फोकियत दी, अपने बेटे को बनाने के लिए नहीं दी, इसलिए कि टैलेंट पे भरोसा था। और तुमने इतनी गैर जिम्मेदारी का सबूत दिया, आई एम शॉक्ड। लेकिन सर, डैड इन्होंने फाइल मुझे लाके दी थी। मैं मर गया था क्या? जब मैंने इन्हें दी है तो मुझे ही हैंड ओवर होनी चाहिए, किसी एक्स वाई जेड को नहीं। क्यों हो रहे हैं? फाइल यहीं पे होगी, मिल जाएगी। तुम कैसे इतने गैर जिम्मेदार हो सकते हो? मतलब हद कर दी है कि तुम्हें याद ही नहीं है कि फाइल कहाँ रखी है। यार आपको बताया था इमरजेंसी केस आ गया था, इतनी भागदौड़ थी, समझ में नहीं आया। यहीं पे फाइल होगी, मिल जाएगी। तुम डॉक्टर बन रहे हो या अहमक? मतलब तुम्हें अपने सराउंडिंग का मालूम ही नहीं है, हाथ में क्या है, इर्द गिर्द क्या है। अहमक को कितना सुन के भागना शुरू कर दोगे? कल को किसी पेशेंट में कोई टूल भूल जाओगे ये कहते हुए कि मैं टांके लगा रहा था। ध्यान कहाँ है तुम्हारा? तुम्हारे जैसे डॉक्टर्स ही ऐसी हरकतें करते हैं। अब जाइए आप दोनों यहाँ से प्लीज। सर मैं फाइल दोबारा बनाने की कोशिश करूंगी। 3 दिन के रिसर्च वर्क को आप 1 दिन में कैसे कवर कर लेंगी? अब जाइए, मैं देखता हूँ क्या करना है। जाइए प्लीज। I'm sorry. Thank you.
क्या हुआ? आप यहाँ खड़ी परेशान क्यों हो रही हैं? मिल जाएगी कल। कैसे मिलेगी? मैंने तो आपको दी भी नहीं थी। यही भी कहीं होगी, मैं ढूंढ लूंगा जाकर, आप फिक्र ना करें। मुझसे कहीं गिर गई होगी। उस वक्त सिचुएशन भी ऐसी थी कि याद पता नहीं। आई कैन अंडरस्टैंड। देखिए आप फिक्र ना करें, मैं फाइल ढूंढ। ओके। वैसे जो टॉपिक्स उस फाइल में थे, वो जो डैड ने दिए थे, वो हैं आपके पास? हॉस्टल में होंगे। फिर आप एक काम कीजिएगा, वो सारे टॉपिक्स मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा। लेट्स से अगर फाइल नहीं मिलती तो मैं प्रेजेंटेशन बना लूंगा। ओके। मगर आप कैसे बनाएंगे? कमाल की बात कर रही हैं आप, डॉक्टर हूँ मैं, प्रेजेंटेशन भी बना लेता। आप फिक्र ना करें, जाए अपनी क्लास। थैंक यू। शैतान, ये किताबें तुमने पढ़ी है मेरी? हाँ मैंने पढ़ी है। मुझे जला देनी चाहिए थी ये किताबें। इस पे देखो कितनी गंदी तस्वीरें हैं। तबास्तखवार, कैसे आएगा रहमत का फरिश्ता इस घर में? हटाओ ये सब। जिस घर में तुम्हारे जैसे मालकुल मौत रहता, वहाँ पे रहमत का फरिश्ता कैसे आएगा? वे खुदाया, मैं तुमको अकल की बात कर रहा हूँ। तुम लड़ रही हो मुझसे, खून मगज। मैं खून मगज हूँ या तुम खून मगज हो? दिमाग खराब है तुम्हारा, अपना दिमाग सही करो। मेरा दिमाग बिल्कुल सही है, तुम्हारा खराब हो गया सबका। जब तुम्हारी उस्तानी तुमको निकालेगी, फिर घर में टिक के बैठोगी सकून से। इधर दो मुझे ये, फेंको इसको, फेंको। तुम पागल हो क्या? चुड़ैल की तरह अचानक नाजिल हो गई हो यहाँ पे। मैं तुम्हारे लिए देसी चूचे का यखनी बना के लाया है, खाओ। हटाओ इसको, मुझे नहीं चाहिए, कोई फरमाइश की थी मैंने, ले जाओ। तुमने तो नहीं कहा था, पर चाची बता रही थी कि तुमने कल से कुछ खाया नहीं। बीमार हो, दवा खानी है, कुछ खा लो, खा के तो देखो, बहुत मजे का है। वो हटाओ इसको, मुझे मजे की चीजें पसंद नहीं है, मुझको बदमजा चीजें पसंद है। हटाओ। इतना तो मुझे भी पता है खान, तुमको बदमजा चीजें पसंद है। क्या मतलब है तुम्हारा? झूठ नहीं कह रही हूं मैं, अगर यही अखनी तुम्हें खजिस्ता बनाकर लाकर देती तो तुमने सजदे करते हुए पीनी थी। वो लेवानी, बिल्कुल पागल हो तुम खुद को खजिस्ता से मिला रही हो। होश ठिकाने में है तुम्हारा? तुम भी तो खुद को खजिस्ता से मिलाता है, तुम होश में हो कि नहीं? मेरी एक बात कान खोल कर सुन लो तुम, वो तुम्हें कभी कबूल नहीं करेगी। तुम दोनों के बीच में बहुत फर्क आ जाएगा। मेरा नाम तरखजई है, तरखजई, मुझे कबूल करवाना आता है।
तुम ये यखनी अपने पास रखो। यखनी बढ़िया है। अच्छा ऐसा है, एक फेवर देंगी मुझे? कैसे फेवर? जहाँ से आपने डिटेल सर्च की थी वहाँ की कुछ इन्फॉर्मेशन, कुछ हेडलाइंस, कुछ हेडिंग्स सर्च करने में आसानी हो जाएगी। जी जी मुझे याद है, मैं भेज दूंगी। गुड। अच्छा एक और बात कहनी थी आपसे। जी कहिए। वो प्लीज ये बात आपके और मेरे दरमियान रहनी चाहिए, किसी से शेयर मत कीजिएगा कि मैं बना रहा हूं। क्यों? डैड काफी मुतासर हैं आपसे और मैं चाह रहा था कि ये तासुर कायम रहे। आपकी तरफ से मैं दे दूंगा, इट्स नॉर्मल। आप खामोश क्यों हैं? मेरी बात बुरी लगी क्या आपको? नहीं बस अल्फाज नहीं मन रहे। ऐसा हो ही नहीं सकता कि इतनी ब्रिलियंट स्टूडेंट के पास अल्फाज कम पड़ जाए। कभी कभी अल्फाज कम पड़ जाते हैं।
सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। की तबीयत कैसी है? मरे क्यों परेशान होती, पता तो है कि कितना जिद्दी तबीयत का आदमी है। ऊपर से बीमारी ने उसको और भी चिड़चिड़ा कर दिया। मोर आपको कितनी बार बताऊं? बीमार नहीं है वो, चोट लगी है, और कोई ऐसी चोट भी नहीं कि महीनों चले, दो हफ्तों में पट्टी उतर जाएगी। हाँ अमरोज बता रहा था, पर इन दो हफ्तों में तो इसने हमें उल्टा लटका रखना ना। तो आप उसको दवा खिलाओ ना। आप एक काम करो, आप दादी से बात करो, दादी उसको दवा खिलाएंगे। दादी ने तो फिर कुछ और ही खिला देना है। और इम्तिहान, इम्तिहान की तैयारी की है उसने? वो कहां से तैयारी करे, दादी इसको कॉलेज जाने तो दे नहीं रहा, घर में बैठ के इससे पढ़ा नहीं जाता। मोर आपके दरख्त जाइस है ना, कुछ भी नहीं होता इस दुनिया के अंदर सिवाय मेरे साथ झगड़ा करने के। चलो जो तुमने समझाना दरख्ज़ाई को उसको खुद बता दो। दरख्ज़ाई, खजस्ता का फोन है, तुमसे बात करना है उसको। दरख्ज़ाई, बच्चा खजस्ता का फोन है, तुम्हारा पूछ रही है। बच्चे क्या पूछ रही है, जिंदा हूँ कि मर गया ये पूछ रही है? मरा ऐसे क्यों पूछेगी, वो तुम्हारा हाल पूछ लो, खुद से उससे बात कर लो। तबीयत का पूछ रही है, शहर के मरीजों को देखे ना, क्या उनसे फुर्सत मिल गई है? अच्छा छोड़ो गुस्सा, छोड़ो उससे बात करो, चलो शाबाश बच्चे। मोरे तुम जाओ। हाँ बोलो, तुमको शहर के मरीजों से फुर्सत मिल गया? कितनी बार बताऊं, मरीज नहीं देखती, अभी सिर्फ पढ़ रही हूं। और तुमने क्यों पढ़ना छोड़ दिया? क्योंकि मेरा बाजू टूट गया, किताबें नहीं उठाई जाती मुझसे। पढ़ना क्यों छोड़ दिया, और तुमसे कौन सा इतना हुआ कि तुम मेरे पास आओ, मेरी खबर गिरी करने आके किताबों का पर्चा पलटती ताकि मैं पढ़ लेता। बढ़िया खबर लेने वाली फोन पे। खबर इसलिए लेती हूँ ताकि तुम दवा खाओ और ठीक हो जाओ, इम्तिहानों में बैठोगे, पास होगे, तभी तो आगे पढ़ोगे। खजस्ता, क्या मसला है तुम्हारा? खर्चे की फिक्र है, दरख्ज़ाई की कोई फिक्र नहीं तुमको। कमाल करती हो। नहीं पढ़ना वरना मुझको कोई पर्चा वर्चा नहीं देना। और मेरी एक बात कान खोल के सुनो तुम, अगर मैं इल्म हासिल नहीं करूंगा तो तुमसे दस बरदार नहीं होऊंगा। गलत फहमी में मत रहना, तुम मेरी इज्जत हो, मेरी गैरत, तुमको तो हासिल करके रहूंगा मैं। फोन पे बात करके खाना पूरी कोई परवाह नहीं है दरख्ज़ाई की, किसी को परवाह नहीं है। हम नशी झूले मेरे दिल की जमीन, इस दिल मगरूर का अब हम सफर कोई नहीं।